दो दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स रेलवे स्टेशन से बच्चा को छुड़ाता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो मथुरा जंक्शन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 89 की है। 6 दिन पहले 7 माह का बच्चा चोरी हो गया था, लेकिन अब जीआरपी पुलिस ने बच्चे को फिरोजाबाद से बरामद कर लिया है। बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के 8 लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस का कहना है कि बच्चा फिरोजाबाद के बीजेपी पार्षद के घर से मिला। नवजात का 1,85,000 रुपए में सौदा किया गया। पुलिस ने 85,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले पर, पहले वो सुन लीजिए। 24 तारीख की सुबह में जो है एक बच्चा का जो है यहाँ पे चोरी हुआ था। तो उसकी माँ ने जो है यहाँ पे मुकदमा जो है वो लिखवाया था। 363 का मुकदमा लिखा गया था। जैसे ही उसमें एक फुटेज भी हमें मिला था, जैसे ही ये घटना हुई थी तत्काल जो है इसके अनावरण के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था। कई थानों की जो अच्छे हमारे दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनको भी इस काम के लिए लगाया गया था। सर्विलांस की टीम जो है उसको लगाया गया था इसके अनावरण के लिए। उसमें ये पता चल रहा है कि इसमें एक पूरा का पूरा एक संगठित गिरोह है जिसमें बच्चा चोरी करने वाले इसमें शामिल हैं। साथ ही ये हाथरस के एक अस्पताल संचालक जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और वहाँ के ANM का काम करने वाली 2 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। इनका काम था कि जो भी माँ बाप जिनके बच्चे नहीं होते थे या किसी को बेटे की चाहत होती थी तो वैसे लोगों को ये लोग पहले आइडेंटिफाई करते थे, फिर उनसे जो है बातचीत करते थे, फिर हॉस्पिटल में ले जा करके जो है उनके साथ जो है बच्चे को लेकर के डील होती थी कि हम बच्चा आपको देंगे और इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रकरण में आज जो है 8 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। इसमें जो जिन्होंने बच्चा इस बच्चे को खरीदा था उनको भी गिरफ्तार किया गया है, और उसमें जितने भी लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 89 पर 24 अगस्त की रात फरह इलाके की महिला सो रही थी। उसी दौरान 7 महीने का बच्चा किसी ने चोरी कर लिया था। यह घटना CCTV में कैद हो गई थी। जीआरपी पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर छानबीन की, जिसके बाद पुलिस ने बच्चा चुराने वाले गिरोह के 8 लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों में बच्चा खरीदने वाले फिरोजाबाद जिले की महिला विनीता अग्रवाल और विनीता के पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जिनके घर से बच्चा बरामद हुआ वह विनीता अग्रवाल वार्ड नंबर 51 से नगर निगम पार्षद हैं। इसकी पुष्टि BJP महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार ने की है। उसके बाद पुलिस ने यह जानकारी दी कि किन लोगों की गिरफ्तारी हुई। जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसके नाम पुलिस ने कुछ ऐसे बताए, आप इसे सुन लीजिए। टोटल लोग जो हैं 8 लोगों को अरेस्ट जो है वो किया गया है, जिसमें 2 लोग जो है जो हॉस्पिटल संचालक हैं, 2 लोग हैं, एक का नाम प्रेम बिहारी हैं और दूसरा दयावती जी हैं। ये लोग अपना हाथरस में इनका हॉस्पिटल है। एक पूनम है जो वाइफ ऑफ मंजीत सिंह है, और एक बिमलेश हैं। ये दोनों लोग ANM हैं, इनके ये दोनों भी अरेस्ट हुए हैं। जो दीप कुमार जो है, जो आपको फुटेज में जो लड़का जो चोरी करता हुआ है, एक वो है। इसके अलावा जो है इसमें एक मंजीत है, जो कि मंजीत है, ये भी अरेस्ट हुए हैं। मतलब टोटल 8 अरेस्टिंग जो है वो हुई है इसमें। और जिन्होंने खरीदा था बच्चे को, इनका नाम जो है ये कृष्ण मुरारी अग्रवाल है और इनकी पत्नी विनीता अग्रवाल। इन दोनों ने इस बच्चे को खरीदा था। जो इनसे पूछताछ हुई थी तो उनमें ये पता चला कि इनको केवल एक बेटी थी और बेटे की चाहत के लिए जो है इन्होंने बच्चा जो है वो खरीदा था। पुलिस इस गिरोह के अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है, लेकिन जब बच्चे चोरी करने के बाद उसका बच्चा मिला तो उसकी माँ का क्या क्या नाम है वो सुन लीजिए। यहाँ के पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, हमारी मदद कर दी, हमारा बच्चा वापस ला दिया। कैसा लग रहा है बच्चा भूत में वापस? बच्चा बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। इतने दिन दूर रहा आपसे, तो कैसा रहा मन में, कैसे आपके दिन कटे? 5-6 दिन कैसे कटे? यही रो रो के कटे, रो के कटे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसका मुख्य काम लावारिस बच्चों को चोरी करके बेचना है। गैंग के मुख्यतः लावारिस बच्चों को चोरी करके बेचना और माता पिता से नजर बचाकर बच्चे को चोरी करना ही उसका मुख्य काम है। हालांकि इस मामले में मथुरा पुलिस ने जो काम किया है वो बेहद ही प्रशंसनीय है और पुलिस की भी काबिले तारीफ है। उन्होंने जो पुलिस ने काम किया और बच्चों को रिटर्न दिलाया, ये वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन आप भी सावधान रहें कि कभी भी अपने छोटे बच्चे को अगर आप कहीं ट्रबल में हैं तो ऐसे ना छोड़ें जिससे कोई उठा के ले जाए। आप जागते रहें और बच्चे को भी हिफाजत से रखें। ट्रबल में बच्चों को हिफाजत रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।